सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है, एनीवन कैन गेस, ये है यूपी का फेवरेट डिश। इसको हम लोग बोलते हैं अरवी का पत्ता। जो अरवी हम लोग सब्जी नहीं बनाते हैं, वो उसी का पत्ता है। मम्मी लेके आई है गांव से। जैसे कि आपको ये आज वाले ब्लॉग में देखेंगे, मम्मी आई है यूपी से, मैंने दिखाया है। तो मम्मी लेके आई है, इसका बनेगा, क्या बनेगा, भाभी बनाने जा रही हैं। रिक्वच और भी कुछ बोलते हैं ना इसको, सोइना बोलते हैं ये। अभी इसे भाभी अच्छे से धो रही हैं, क्योंकि पत्ता है, इसमें कीड़े मकोड़े मिट्टियां बहुत कुछ होती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से धोना पड़ता है। सो आज हम आपको इससे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे बनाया जाता है हमारे घर में। ये हमारी भाभी को बहुत ज्यादा पसंद है, खासकर मम्मी को भी पसंद है। यही जब कोई गांव से आता है ना, तो पहले बोलती है पत्ता लेते आया हो। तो मम्मी आज ढेर सारा पत्ता लेके आई हैं, हम लोग जा रहे हैं बनाने। सो गाइस, अगर आप भी इसे बनाए होंगे तो बता सकते हैं कैसे आप बनाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं अभी बर्तन धोई तो थोड़ा मैसी मैसी हो रखा है, कोई नहीं इतना चलता है। तो कंटिन्यू रहिएगा, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। सो गाइस, हम चलते हैं बनाने, क्या क्या है स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाएंगे। सो आगे मिलते हैं। मसाला बनाने के लिए हमको चाहिए बहुत सारा लंका, मतलब कि हरी मिर्च और लहसुन, एंड इसमें हल्का सा ना काटता है जैसे जीभ में, इसलिए वो काटे ना, इसलिए हम ये डाल रहे हैं हरा मिर्चा, मतलब गले में लगता है वो, लगे ना, इसलिए हम हरा मिर्चा, मतलब ये हरा मिर्चा है जो लाल मिर्चा का खटाई डाल के बनता है। अगर आपके पास नहीं मिलता है तो आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या फिर आम का अचार डाल सकते हैं। सो इसे हम ग्राइंडर करेंगे पहले अच्छे से, जैसे कि आप देख सकते हैं, और भरवा मिर्चा से बोलते हैं, उसे भरवा मिर्चा बोलते हैं गाइस। एंड नाउ, और इसमें क्या लगेगा, हींग और जीरा, इसे हम अच्छे से ग्राइंडर कर लेंगे। फिर हम इसका बनाएंगे डोस। तो उसको हम आपको उसे बताते हैं। इसका डोज बनाने के लिए मैं ली हूँ यहाँ पर चावल का आटा, जो कि मम्मी गांव से लाई थी। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, नॉर्मल चावल को आप हल्का भिगो के उसे भी ग्राइंडर कर सकते हैं, मिक्सी में आप पीस सकते हैं। और उसमें जो मैंने दूसरा चीज मिलाया, ये आपको येलो येलो सा दिख रहा होगा, वो है बेसन। और नाउ जो हमने पीसा है, जो आपको दिखाई थी वो, और अब आप इसमें सॉरी बहुत ज्यादा ही झाग है, मिर्चा का झाग लग रहा मुझे, इसमें आप हल्का सा गरम मसाला डाल सकती हैं, और फिर हल्दी और नमक आप अपने अकॉर्डिंग। सो हम इसे पानी से अच्छे से मिक्स करेंगे, मतलब सानेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज्यादा आपको थिक रखना है या फिर कैसे रखना है, आप देखिएगा। बाप रे, इसे मेरा हाथ भी जलता है, लास्ट टाइम मैं इसे सानी थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो डोज है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ज्यादा आपको गीला भी नहीं रखना है एंड ज्यादा सूखा भी नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है, ताकि वो पत्ते पे अच्छे से लग जाए। आप कंटिन्यू रखिएगा ना, आपको पूरा पता चल जाएगा। इसमें इतना मिर्ची है ना कि मेरे हाथ में जलन होने लगता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। सो गाइस, जो सबसे बड़ा पत्ता लगे आप उसे नीचे रखिए, एंड उसके ऊपर ऐसे जो हमने मसाला बनाया है उसे लगाइए, फिर उसके ऊपर एक पत्ता, फिर ऐसे करते करते थोड़ा मोटा हो जाएगा, फिर उसे फोल्ड कीजिएगा नाव में। हाँ, आप देखते रहिए, अभी आपको पता चल जाएगा। इसका डायरेक्शन ना चेंज करते रहिएगा जो पत्ते का होता है, तो ए इससे क्या होगा, दोनों तरफ इक्वल रहेगा, नहीं तो दोनों का डायरेक्शन एक जैसा रहेगा। तो ये पत्ते का शेप कितना प्यारा है ना, हार्ट बना हुआ है। गया,
सो ये देखिए कितना ढेर सारा एक पत्ते के ऊपर पत्ता रखा जा रहा है और उसके ऊपर जो हम मसाला बनाए हैं वो लगा रहे हैं ताकि पत्ता को कवर करके रखे पत्ते को कवर करके रखे जाए। मम्मी यहाँ पर कर रही हैं लहसुन चेक कर रही है, मम्मी चेक कर रही थी तो वहाँ मसाला कहाँ बनता होगा, यहाँ मसाला हमारे घर में मसाला भाभी ज्यादा खाती है। अच्छा हम तो सच में अब हमको भी मसाला नहीं खवाता, खाते तो पेट में जलन होता है। तो भैया खाएं या भाऊ जी खाएं दोनों तो बराबर हैं। उनके चक्कर में सबको खाना। क्या कह रही हो बेबी? आटा। देखिए इसे डबल फोल्ड करके करते हुए भाभी इसे धीरे धीरे थोड़ा टाइट फोल्ड करना होता है। उधर से पीछे से चली जाओ, बेबी को लग रहा है गीना। क्या हुआ बिच्चा? उधर से जाओ, मम्मा के पीछे से जाओ। चलो चलो हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं, वो भाप से होता है। ये देखिए जैसे बड़ा साइज का भगोना है, उसके नीचे मैंने पानी रखा है थोड़ा सा, मतलब क्या थोड़ा सा, एक डेढ़ गिलास है। एंड उसके ऊपर ये प्लेट रखा है, प्लेट के साइड साइड से ना भाप निकलेगा और उस भाप से बनेगा। नाउ गांव में क्या होता था, इसमें आम के आम का लकड़ी वगैरह रहता था, उसको रख के मम्मी बनाती थी। गैस को ऑन कर दी है, अब हम इसमें थोड़ा पानी गर्म हो जाए फिर हम रखेंगे रिक्वच। सो गाइस, सो जैसे कि इसमें भाप आने लगा था फिर हमने दो रख दिया था एंड नाउ ये हल्का भाप इसमें लग गया है, अब हम दूसरा रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम ऐसे देखे इसको, अब हो जाएगा, अब इसमें और नहीं होगा। सो हम इसमें बस दो रखते हैं, मतलब चार पीस हो गया है। अब ये भाप के थ्रू गैस का फ्लो जो है आप स्लो रखेंगे, नहीं तो पानी सूख जाएगा तो फिर जलने लगेगा। सो जब ये अब पक जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं कैसे पकता है। तो गाइज आप इसे बीच बीच में चेक करते रहिएगा एंड इसको होने में लगभग 22, हाँ थोड़ा घुमा दीजिएगा क्योंकि घुमाने से फिर चारों तरफ हो जाएगा। एंड इसको होने में लगभग 25-30 मिनट लगेगा। सो जैसे कि देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो रहा है हल्का हल्का, पूरा मत पहले हल्का ग्रीन था अब डार्क ग्रीन हो रहा है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा हो चुका है, मैं इसे चेक कर रही हूँ कि हो चुका है या नहीं। मैं इसे चाकू अंदर डुका रही हूँ तो चाकू में कुछ लग नहीं रहा है, मतलब बेसन वगैरह कुछ नहीं, इसका मतलब ये प्रॉपर हो चुका है। सो आप इसे खा सकते हैं एंड आप इसे तेल में फ्राई करके भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। अब जरूर ट्राई कीजिएगा, यहाँ थोड़ा अंधेरा था इसलिए ज़्यादा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, अदरवाइज बहुत अच्छे से हुआ। सो गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।